व्यूअर्स, और हम आपके लिए लेके आए हैं 11th of March से लेके 17th of March तक ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडियक। पहले हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न के साथ। कैप्रिकॉर्न का पहला जो कार्ड है वो खतरे का है। इसमें ऑरा क्लेंजिंग, नेगेटिविटी, स्टोन एमेथिस्ट यूज करना है कैप्रिकॉर्न ने। कलर उनका वाइट है, नंबर उनका 6 है, और जो उन्होंने अवॉइड करना है इज रैश ड्राइविंग, अवॉइडिंग लार्ज गैदरिंग्स को भी अवॉइड करें, और पेपर वर्क में किसी क्लोज लोगों को पार्टनरशिप भी अवॉइड करें। जो एम्ब्रेस करना है ट्रैवल करें, नए बिजनेसेस शुरू करें, सोशलाइजिंग क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ और एल्डरली मेंबर्स के साथ ज्यादा करें। चैरिटी में भी अपना कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते में ज्यादा करें, बेहतर होगा उनके लिए। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस को। एक्वेरियस के लिए एक वार्निंग कार्ड है। अगर एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस फीमेल्स को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसी को एडवाइस ना देंगे तो वो बैकफायर करेगा। वो मे बी उनके इंटेंशन ठीक हो लेकिन अगला उनको सही इंटेंशन में नहीं लेगा। तो मशवरा मुफ्त को अपनी तरफ बिल्कुल नहीं करना। आप जिस तरह फोकस्ड हैं अपने उसमें रहिए। जेड का स्टोन पहने, अल्लाह का नाम या कवियो पढ़े, और आप अपनी हेडेक्स को सही करें, अवॉइड करें ओवर ईटिंग, वो तो वैसे भी अवॉइडेड, लेकिन एसिडिटी प्रोड्यूसिंग बिकॉज हेल्थ ठीक नहीं आ रही। अगेन आपको भी रैश ड्राइविंग से रुकना चाहिए। दूसरा लेट नाइट्स, बिकॉज हेल्थ हेडेक्स और एसिडिटी से बहुत अफेक्ट हो रही है। जो आपने एम्ब्रेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, न्यू फ्रेंड्स आएंगे, एंड देन मी टाइम बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में एक्वेरियस के लिए। और या कभी हो पड़े ताकि आपको इंटरनल स्ट्रेंथ आए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और कलर कलर इनका पर्पल में, पर्पल इज अ कलर ऑफ इंट्यूशन, ये ज़ाहिरो भी पढ़ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं पाइसिस के ऊपर। पाइसिस किसी के हक के ऊपर नजर ना रखें, ये इनको बैकफायर करेगा। फेयर चलें, उनको बहुत बरकत होगी। स्टोन उनके लिए सिट्रीन का है, अल्लाह का नाम या हक को है, जो उनके हक में बेहतर हो वो आए। ऑरा क्लेंजिंग उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अपनी ही नेगेटिव एनर्जी से। सो व्हाट दे शुड डू, या को इनहेल करें, कद्दूसों के साथ एक्सहेल करें, सैंडलवुड की अगरबत्ती रखें, या अगर आपको अरोमा थेरेपी का शौक है स्पाइसेस को तो वो लेमन ग्रास का अरोमा भी रख सकते हैं, और अपने दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग को निकालें। बहुत ज्यादा इनको हेल्प करेगा ये। फिर हम आ जाते हैं एरीज पे, फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडियक। एरीज के लिए भी रुकावट का कार्ड है। इनका स्टोन ब्लू सैफायर है, या अगर सैफायर से डरते हैं बिकॉज सैफायर इज अ वेरी ट्रिकी स्टोन, तो ये हुसैनी फिरोजा का भी इस्तेमाल कर सकते। इट्स हैवी बट इट विल बी सेफ फॉर देम। नंबर नंबर 3, कलर ब्लू। ब्लू इज अ वेरी हीलिंग कलर, और ब्लू कलर के साथ ये या नूरो, अल्लाह मियाँ का नाम या नूरो पढ़ें फॉर इनर लाइट। एरीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, तो द गाइडेंस विल बी वेरी वेरी गुड। अवॉइड क्या करना है, इन्होंने अवॉइड करना है ओवर थिंकिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, एनीथिंग टू डू विद हेल्थ एग्जैजरेट ना करें। और एम्ब्रेस क्या करना है, एम्ब्रेस करना है फैमिली को टाइम देना, अपने अगर हेड ऑफ सीईओ है तो अपने एम्प्लॉयज की शिकायत सुनना, उनको सॉल्व करना, यानी टीम लीडर की तरफ से ये एम्ब्रेस करें। इनको इससे फाइनेंशियल फायदा भी होगा, दे विल मेक गुड एनर्जी एंड दे विल गेन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम देयर ड्राइव, दे हैव ड्राइव सेफ केयरफुली आल्सो। टॉरस, लेट्स सी टॉरस का ये हफ्ता कैसे रहता है। टॉरस का हफ्ता ये लव में तो बहुत अच्छी तरीके से खुला है। इनका आशिक कार्ड आया है, इन द सेंस कि ये अपने आप को एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। या कभी हो या वदूद हो, या कभी हो या वदूद हो, पर जितना विरध हो सकता है करें। स्टोन एमेथिस्ट का रंग वैसे पर्पल होता है, लेकिन एक पिक एमेथिस्ट भी होता है, नहीं तो ये रूबी लाइट कलर का रह सकते हैं। ये टॉरस को बहुत इस हफ्ते फायदा देगा, फाइनेंशियली भी फायदा देगा। अगर इनको अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन रह के अपने काम करें, अपनी डेडलाइंस को मीट करें, नई चीज़ों को सीखें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। ये चीज़ें इनको बहुत फायदा देंगी। और
बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में लव्ड वन के लिए नहीं जाना, इवन फैमिली के लिए भी नहीं जाना, वर्क के लिए जाना है। तो ये टॉरस या फताहों का वर्क 134 times भी कर सकते हैं, बिकॉज दे वर्क कार्ड इज गुड इन दिस वीक, सो दे कैन, इनका 2 लकी नंबर आ रहा है एंड 2 के साथ ये एक्सपेरिमेंट इस हफ्ते में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टॉरस के बाद फिर हम आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। लेट्स सी जेमिनाई का क्या। जेमिनाई का बड़ा अच्छा है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है, बहुत अच्छे नए लोगों को मिलेंगे। अगर यंग जेमिनाइज हैं तो उनकी शादियां अगर रुकी हुई हैं तो वो खुलेंगी, या वदूदू या लतीफ़ो या हक्को पड़ी है जल्दी सामने चीज आएगी, या वदूदू या लतीफ़ो या हक्को। स्टोन जो है, स्टोन इनका भी रूबी बनता है, रूबी विल गिव देम अ लॉट ऑफ लक। इनका अपना बर्थ स्टोन अगेट भी ठीक है अगर लिवर कलर में हो। हाँ, दे शुड अवॉइड ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट इस हफ्ते में फाइनेंशियली किसी पे नहीं करना, मेक श्योर आप सारी चीजें अपनी खुद करें, किसी को आपने वो नहीं देना कि भाई ये मेरे लिए कर लो। डू योर फाइनेंशियल वर्क योर सेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। या नूरो या फताओ का मिला के भी ये वर्क कर सकते हैं। जेमिनी ट्रैवल आएगा, जिम एक्सरसाइजेस को लाइट रखिए, यू कैन ट्राई योगा, वॉकिंग, स्विमिंग, लाइट एक्सरसाइजेस जिससे मस्कुलर भी आपको स्ट्रेंथनिंग हो। जेमिनी के बाद हम आ जाते हैं कैंसर पे, और कैंसर वगैरह बड़े परेशान हो रहे हैं। ये बेचारे अपने लव्ड वन पे ट्रस्ट करते हैं, लव्ड वन धोखा दे देते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लीज अपने लव्ड वन्स, वेदर इट्स चिल्ड्रन, वेदर इट्स स्पाउसेस और वेदर इट्स एन एक्सटेंडेड, दे आर टू इमोशनल। ये पहले रिएक्ट करते हैं फिर एकदम मान जाते हैं। ट्राई कि इस वीक में बैलेंस क्रिएट करें या अहदों पढ़ें, वननेस, और ये भी बहुत रिपीटेडली इस चीज को मास्टर करें और देखें लोगों की बॉडी लैंग्वेज, देखें लोगों के सेंस, वर्ड्स पे ध्यान दें कि ये वर्ड्स और इनके एक्शंस मैच कर रहे हैं, फिर अपने कोई डिसीजन लें। अगर ये इस बैलेंस से इस हफ्ते को गुजार गए तो कैंसर के लिए फाइनेंशियल और रिलेशनशिप सक्सेस होगी। ये बहुत देर बाद इनका अच्छा भी का है, सो दे विल गेट गुड न्यूज इन दैट। फॉर मैरिज ऑल्सो, फॉर मेल एंड फीमेल इट इज गुड। लकी नंबर इनका 1 है, और लो इस हफ्ते सबसे ज्यादा चांसेस है कि कपल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्लाह का नाम या हक को भी ये बहुत अकेला आप जितना ज्यादा चैंट करें उतना ज्यादा बेहतर होगा। स्टोन या एक्वामरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर के बाद हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। लियो इस वक्त अपने एंगर पे कंट्रोल कर रहा है, या हलीमो पढ़िए, इट विल हेल्प यू मोर। या हकीमो या हलीमो, विजडम विद कामनेस, दैट इज द की टू सक्सेसफुल लियो। लियो अपना बर्थ स्टोन डायमंड पेन है, वैसे इनका रूबी भी है डायमंड भी है, लेकिन अगर इनके पास डायमंड नहीं है तो इस दफा ये जिरकॉन या मून स्टोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट विल गिव देम कामनेस एंड फाइनेंशियल लक, स्पेशली मून स्टोन। और अवॉइड करें स्पाउसेस के झगड़े, गर्लफ्रेंड या कोई अगर मंगेतर है या कोई लव्ड वन है उसे अवॉइड करें। कॉन्सेंट्रेशन लियो, अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन रखें और सेंसिबली चकें चलें आगे। बहुत अच्छा और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और होंगी। दे शुड ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, मेक श्योर कि आप लेट नाइट्स या कुछ ऐसी चीज है तो आपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो अपने वेदर कंडीशंस को सामने रख के जाइए। आयतुल कुर्सी पहन के पढ़ के गाड़ी में बैठे, 7 दफा दुरूद शरीफ, 7 दफा आयतुल कुर्सी, फिर 7 दफा दुरूद शरीफ, इन सफर की दवा भी गाड़ी में रखें। दे नीड टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल। फिर हम आ जाते हैं वर्गो पे। वर्गो को इस हफ्ते अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और ईगो को या अपने विजन से फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। या मुक्तदीरो, अल्लाह का नाम या मुक्तदीरो, ये बहुत ज्यादा कसरत से पढ़े। अपना बर्थ स्टोन सैफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैफायर से अगर इनको प्रॉब्लम है, ब्लू टोपाज का कर सकते हैं, लेमन टोपाज का कर सकते हैं, दिस विल हेल्प देम। दूसरा ये है कि ये ज्यादातर टाइम अपने साथ गुजारे, उसमें हेल्थ का कंसर्न है, रीडिंग्स करें, अगर आपने प्रेजेंटेशंस करनी है वो बनाए, अगर आइडिया आगे के लिए कोई आइडिया, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है क्रिएटिव एनर्जी का, थॉट प्रोसेस का, इसको यूटिलाइज करें। या खालिक हो द क्रिएटर,
अल्लाह का नाम बहुत इनको इस हफ्ते में बेहतर रहेगा. फॉर इनका लकी नंबर है 8. इट इज अ वेरी ट्रिकी नंबर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन इस हफ्ते ये 8 के साथ ट्राई करें, इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. और क्लेंजिंग भी रेगुलरली करनी है. सो ओवरऑल अ वेरी रिफ्लेक्टिव वीक ऑफ वर्गोस. फिर हम आ जाते हैं लिब्रा की तरफ. लेट्स से लिब्रा के क्या है. लिब्रा का खतरा कार्ड आया है, एक्सीडेंट्स, और प्लीज केयरफुल रहिए अगेन फॉर ड्राइविंग ऑल्सो. दूसरा, ये नजर का खास अपना करें, और अगर इनको कोई हेल्थ में चीज ऐसी थोड़ी बॉदर कर रही है, दे शुड गो फॉर अ चेकअप. या सलाम हो या हफीज हो, मेक इट द की फॉर. और आपने एमरल्ड स्टोन का लिब्रा ने इस्तेमाल करना है. आई स्ट्रेन होगा, टूथ एक, हेडेक्स, लिटिल बिट ऑफ द अपर पोर्शन एरिया वीक. लव बहुत अच्छा जा रहा है, देयर विल बी लॉट ऑफ केयर, पीपल विल गिव देम केयरिंग मैसेजेस. अगर कोई तबीयत भी ठीक नहीं है, नॉट कि कोई बहुत सेहत की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मनी मैटर्स आर गुड. आप आराम से अगर मनी का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं. लिब्रा के लिए इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर. स्कॉर्पियो मल्टी टास्किंग मत करें, एक चीज करें, अपने आप को थकाए मत. बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी है. आप खुली हवा में जाएं, अपनी ब्रीदिंग्स करें, और रमज़ान के अंदर स्पेशली आप अगर रोजे के बाद भी वॉक के लिए जाएं, तो मेक श्योर, बल्कि ये जो अल्लाह के नाम हमने बताए हैं, अगर आप कोई, कई लोग अफ्तारी के बाद भी वॉक पे जाते हैं, तो ये करें तो बहुत बहुत ये रमज़ान में उनको बरकत लेके आएगा. और स्कॉर्पियो बहुत रिलीजियसली इनलाइटन्ड भी हमारे मंथ ऑफ रमज़ान में होंगे. और चैरिटी के लिए ये अगर कोई रेगुलर अफ्तारी या सेरी या इस किस्म की चीज़ कराएंगे तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर. सेजिटेरियस इस मुबारक महीने के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं स्पिरिचुअली. तो ये या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो, से अगर फजर के वक्त रोजे रखते के बाद या पहले ये एक तस्बीह कर लें और एक कोई मुराद रखे, तो दिस इज अ वेरी हाइटेंड रमजान स्टार्टिंग फॉर देम. और सेजिटेरियस के रोजगार में भी बहुत बरकत आएगी. आप चैरिटी में, इसमें बेस्ट तो यही होता है कि आप लोग, बल्कि सारे लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें और रोजेदारों का रोजा खुलवाए, बिकॉज ये तो स्पेशली ज्यादा खुद भी कर रहे हैं, अवेयर है सेजिटेरियस. हुसैनी फिरोजा पहने, दैट विल बी वेरी वेरी लकी फॉर यू. और रमजान में जितनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इन्होंने सोची हुई है, इस महीने को शुरू करते ही आपको देखेंगे कि कितनी हेल्थ वाइज ब्लेसिंग आ रही है. हेल्थ वाइज बहुत ब्लेसिंग आ रही है. तो व्यूज, ये छोटा था ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडियक था. बहुत बहुत रमजान मुबारक हो सबको. और हम अल्लाह के नाम भी शेयर्स करते रहेंगे ताकि आप सबको रमजान में हम थोड़ा सा अपनी मेडिटेशन अल्लाह के नामों पे भी कराएं. थैंक यू.